नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ सबके स्वागत कऽ रहल छी। आइ हम मैथिली के वीडियो सारांश लऽ कऽ अयलहुँ हन। पार्ट अछि एक, कवि पार्ट एक, एहिसँ पहिले छलियै अहाँ 14-15 पर, तऽ देखियौ एहिसँ पहिले रहियै हम गद्य खंडमे, जे अहाँ सबके प्यार मोहब्बतके कारण समाप्त भऽ गेल। यानि कि हम गद्य खंडके सम्पूर्ण चैप्टरके सारांश हम वीडियो अपलोड कऽ देलहुँ, यानि कि 1 से लऽ कऽ 15 तकके वीडियो अपलोड कऽ देलहुँ। आइसँ अहाँसबके हम पदखंड यानि कि कविता लऽ कऽ अयलहुँ हन, यानि पदखंडके शुरुआत कऽ देलहुँ हन। एग्जामसँ पहिले सम्पूर्ण तैयारी कहलहुँ रहै आओर अहाँसबके हम कऽ कऽ देब, यानि कि मैथिलीके पूरा गदखंड तऽ समाप्त भेलै, आ पदखंडके भी हम समाप्त कऽ देबै। आइए अहाँके एहि चैप्टरसँ, यानि कि पदखंडसँ 2 चैप्टरके वीडियो अपलोड करब, ठीक छै? देखियौ तऽ यानि कि पदखंडके पहिला चैप्टर पाठ अछि, धन्यवाद, पाठ अछि विद्यापति वंदना। कथी? विद्यापति वंदना, और लेखक अछि गोविंद दास, ठीक छै? अहिनक जीवन वृत्ति अछि, यानि कि 1497 ईस्वीसँ 1535 ईस्वी धरिके मध्य गोविंद दासके बारेमे सबसँ पहिले हम बात करी। देखियौ ई पाठ जे लेखक अछि गोविंद दासके, दुगो यानि कि पाठ एक आ पाठ दू, दुनू पाठ इएह लिखने छथि, यानि गोविंद दास विद्यापति वंदना लिखने छथि, आ कुसुमो वंदना हिनके रचना अछि। पाठ एक आओर पाठ दू हिनके कृति अछि, आओर अहाँके मैथिलीमे पदखंडमे लगातार यानि कि हिनके देल अछि। पहिला पाठ विद्यापति वंदना, दोसर पाठ कुसुम वंदना, ठीक छै? सबसँ पहिले अहाँ सबके हम विद्यापति वंदनाके हम सारा सुनायब। ओहिसँ पहिले गोविंद दासके बारे किछु जानि लिअ। लेखक गोविंद दास, यानि कि जीवन वृत्ति 1497 ईस्वीसँ 1535 ईस्वीके मध्य धरि, ठीक छै? आ जन्मस्थान रयाम, जे मधुबनी जिलामे पड़ैत अछि। कीर्ति श्रृंगार भजन गीतावली गोविंद गीतांजलि, ठीक छै? ई भेल अहाँके गोविंद दासके किछु कीर्ति आ हिनका बारेमे। चलू आब जे छै अहाँके सबसँ पहिले विद्यापति वंदना जे गोविंद दास लिखने अछि, एहिके हम सारांश बता रहल छी, यानि कि पहिल पाठके पदखंडके पहिल चैप्टर, ठीक छै? आओर गदखंडके अखन तक अहाँ सब पूरा वीडियो नहि देखलहुँ हन, पूरा चैप्टर यानि कि 1 से लऽ कऽ 15 तक, तऽ वीडियोके प्ले लिस्टमे जाकऽ देख लिअ। चलू एहिके हम वीडियो शुरू कऽ रहल छी, यानि कि एहिके हम पूरा बताबै छी, यानि कि विद्यापति वंदना कविताके पूरा भावार्थ अहाँके हम बता दै छी, ठीक छै? देखियौ एहि कवितामे गोविंद दास जी, यानि कि एहि कवितामे गोविंद दास विद्यापतिके वंदना कयने छथि, आ विद्यापतिके गोविंद दास की कहै छथिन, विद्यापति को यानि कि की कहै छै हिनका, कवि कोकिल कहै छथिन, कवि कोकिल के उपाधि देने छियनि किनका, विद्यापतिके के गोविंद दास। एहि लऽ कऽ ध्यान सुनबै, यानि कि एहि कवितामे गोविंद दास विद्यापतिके वंदना कयने छथि, आओर कवि कोकिलक विद्यापति अपन भाषा भाव शैली ओ विषय वस्तु आदि सब दृष्टिसँ एतेक लोकप्रिय कवि भऽ गेला जे परवर्ती कवि सब हिनक अंधाधुनक यानि कि हिनक कहि सकै छी अनुकरण करऽ लागल। किनका? विद्यापतिके। वर्तमान समयके जे अधिकतर कवि सब हिनक अनुकरण करऽ लगला, किन्तु एहि बातके स्वीकार मात्र एकेटा कवि कयलनि, कोन तऽ गोविंद दास एहि बातके स्वीकार कयलनि जे ठीक गोविंद दास हिनक स्पष्ट कथन अछि, कविपति विद्यापति मति माने याग गीत जय गीत चोरावल गोविंद गौरी सरस रस गाने। ध्यान देबै यद्यपि गोविंद दास जे छै अहाँके अन्य कवि सदृश विद्यापति अंध अनुकरण नहि कयलनि, यानि कि गोविंद दास छै दोसर कविके तरह विद्यापतिके अनुकरण नहि करैत अछि, हुनक गुणगान करैत अछि मुदा यानि कि कहि सकै छी जे ओकर देखांश नहि करैत अछि। ठीक, हिनक गीत सब कवि लौकिक, ध्यान देबै हिनक गीत गोविंद दास जे छै अहाँके विद्यापतिके हुनका गीतके बारेमे पहिले कहै छै, की कहै छै हिनक गीत सब कवि कोकिलक गीतमे केनहु नहि मिजराय सकैत अछि, एकर अपन अलगे स्थान अछि, हिनक अस्तित्व सबसँ पैघ अछि, ओ विद्यापतिके अपन काव्य गुरु मानैत अछि, यानि गोविंद दास विद्यापतिके अपन कविता यानि कि काव्य गुरु मानैत अछि। ताहिके बाद कहैत अछि गोविंद दास कवि कोकिलके बारेमे, कवि कोकिल गीतक प्रशंसामे गोविंद दास कहै छथि जे हिनक गीत संसारक, यानि कि गोविंद दास कहैत अछि विद्यापतिके बारेमे जे हिनकर जे गीत अछि संसारके मोनके चोरा लेलखिन, यानि एतेक बढ़िआँ गीत हिनकर छै जे संसारके मोनके चोरावल यानि चोरा लेलखिन, बुझलहुँ? संसार भरिमे पसरल सरस्वतीके जे वाणी छल तकर सार मार्गसँ अपन गीतक विद्यापति रचना कयलनि, हिनक गीतक सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट रहल जे ओ कोन, यानि कि कोखक कण्ठमे 500
वर्ष धरि दौड़ैत रहल, यानी कि विद्यापति गीत एते चलैत अछि जे 500 वर्ष तक लोक के कंठ में रहल, यानी कि 500 वर्ष तक आइसन है, आइसन 500 वर्ष पहले से अखनो लोग सब विद्यापति गीत गबैत अछि आ सुनैत अछि, यानी कि सोच सकै छी 500 वर्ष से हिनक गीत चलि रहल अछि। तेके बाद गोविंद दास कहते अछि विद्यापति के बारे में जे रसिक लोकनिक त कान लगा कर हिनका गीत के सुनी सुनी आनंद भाव विभोर भ जाते, यानी कि रसिक लोकनी जे छे विद्यापति के गीत जे छे कान लगा कर सुन सुन कर भाव विभोर भ जात अछि। कवि गोविंद कहे छथि जे कवि कोकिल प्रदत्त एतेक नीक गीतक हमरा लोकनी के गीत के समान मिलवा के कोनो आशा नहि अछि, यानी कि जे छै धन भाई गोविंद दास जी कहे छथि किनका बारे में, हिनका बारे में विद्यापति जी के बारे में जे हिनका गीत के सामने में हमरा गीत सब के कहियो नहीं, यानी हम कहियो आशा नहीं करे छी जे हमरा गीत के कोनो स्थान मिलत, विद्यापति गीत के सामने में हमर गीत सब की अछि तुच्छ अछि के मंद अछि, यानी कवि गोविंद कहे छथि जे कवि कोकिल प्रदत्त एतेक नीक गीतक समक्ष हमरा लोकनिक गीत के समान होयबाक कोनो आशा नहि अछि, ई प्रयास ओहिना विफल भ जायत जहिना एक बौना आदमी चंद्रमा के स्पर्श करवा के स्पर्श करिया, यानी कि स्पर्श करवा के विफल प्रयास करते अछि। एतक हिनक भाव कवि कुल मुकुद कलाधर कालिदासक भाव से समता रखते अछि, ओ रघुवंशक महाकाव्य प्रथम सर्ग में कहते अछि। एहि प्रकार से गोविंद दास रचित विद्यापति वंदना समाप्त होते अछि। ठीक छै, एहि के बाद अहां सब के लेल हिनके रचित पाठ दू जे अछि कुसुम वंदना के हम जे सारांश अछि कविता अछि।